जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 1-5 के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। इससे पहले आपको हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 23 तक करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका। इसमें हम 1 से लेकर आपका 40 तक मैथ का क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग का है, जिसे हम बाद में सोल्व करते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए हम पहले जीके जीएस से शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य करने के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये मिला आपका रोनाल्ड रोस को। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रोनाल्ड रोस को मिला है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन 42 है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु की बहने की चाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल घटती है और वायु में नमी की मात्रा यानी आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका है कि चंद्रग्रहण के दिन होता है तो ये दिन पूर्णिमा होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चंद्रग्रहण कब होता है तो याद रखिएगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्रग्रहण लगती है। ध्यान रखिए, जब आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं तब आपका चंद्रग्रहण लगते हैं। चंद्रग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए उस समय आपका चंद्रग्रहण लगते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में अद्भुत वर्षा जल संग्रहण की प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी है। आपका 44 का हो जाएगा सी, बावड़ी। ये क्या आपका तो वर्षा जल के संग्रहण की विधि है। निश्चित आपका है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन आपका है कि बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। ये आपका है फर्न। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि जंतु परागण किसके द्वारा पौधे के परागण की विधि है। ये आपका होता है चमगादड़ द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका है कि घटपर्णी यानी नेप्थलिस चूहे मेंढक और कीड़े मकोड़ों को फंसा कर उन्हें खा जाता है, हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपका मेघालय में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहाँ होते हैं, मेघालय में पाए जाते हैं घटपर्णी पौधा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत के मध्यान्ह यानी दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होते हैं। यानी आपका भारत में जब दोपहर होते हैं तो किस देश में मध्य रात्रि होते हैं। आपका हो जाएगा अर्जेंटीना में होते हैं आपका मध्य रात्रि। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 48 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका है कि एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को क्या कहते हैं, उसे हम बॉब कहते हैं। या देखिए आपका पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपका 2π√L/g। क्या होता है, 2π√L/g। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन आपका है कि जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन यानी ग्लूकोज का अपघटन होता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम अवायवीय शोषण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि घर्षण सतह की चिकनाई पर निर्भर करता है तो घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों के क्या होते हैं तो विपरीत होते हैं। क्या है ऑप्शन चलिए देखते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है, का विरोध करते हैं। क्या करते हैं, का विरोध करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है यह आपका हो जाएगा मीथेन। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी क्या कहलाती है। तो आपको कल ही बताए थे जब आपको हम एनसीईआरटी का साइंस का क्वेश्चन करा रहे थे, उसमें आपका था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं यानी मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है
क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन है कि रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसवर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी के ठोस प्रॉपर्टी में यानी भूपट्टी में पाए जाने वाले धातु की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? देखिए आपका लौह धातु में कहा जाए तो आपका तीसरा स्थान है, क्योंकि आपका देखिए सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन होते हैं, इसके बाद आपका सिलिकॉन होते हैं और थर्ड स्थान पर आपका एल्युमिनियम होते हैं। तो एल्युमिनियम आपका क्या है तो लौह धातु है, यानी इसमें आपका यह तीसरा स्थान है, इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 56 है, क्वेश्चन आपका है कि कैलेवराइट नामक खनिज एक युक्त टेलुराइट खनिज है, ये किसका यानी अयक्ष है, कैलोराइट किसका अयक्ष है यह बताना है आपको, तो यह आपका सोना का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है? तो ये करते याद रखिएगा आपका हो जाएगा उपकला उत्तक, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन है कि पुताई की गई दीवार के बनने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद चमकदार दिखाई देती है, किसके कारण? तो ये बने रहता है आपका यानी कैल्शियम कार्बोनेट के, किसके बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 59 है, क्वेश्चन है कि कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जिम्मेदार है? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपका यानी ज्वार भाटा आते हैं, यह किस नियम में कौन सा नियम बताते हैं? ये जगह आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन को साइनोक्वाल्बिन के नाम से जाने जाते हैं? यह आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोक्वाल्बिन, यानी B12 का रासायनिक नाम है साइनोक्वाल्बिन, इसमें आपका कोबाल्ट पाए जाते हैं, याद रखिएगा विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका 61 है, क्वेश्चन है कि शरीर में किसके गंभीर कमी के कारण कैक्सिक्योर रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से आपका कैक्सिक्योर रोग होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है, खनिज कार्नेटाइट एक महत्वपूर्ण स्रोत है यानी अयक्ष है, तो ये आपका हो जाएगा यूरेनियम का अयक्ष है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोग के प्रतिरोधक क्षमता के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो ये TB रोग के लिए, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे तपेदिक, TB को ही तपेदिक कहते हैं या क्षय रोग भी कहते हैं। क्वेश्चन 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है? तो आपका 64 का ऑप्शन ए हो जाएंगे एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट आपका ये कोयले का प्रकार है, इसे याद रखिएगा ये क्या है कोयले का प्रकार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस, क्या है डर्मेटाइटिस शामिल है, ये कौन सा रोग है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे प्लेगरा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन आपका 66 है, क्वेश्चन है कि शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़े में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग की जाने वाली एक चिकित्सक उपकरण है, तो यह है आपका याद यानी स्टेथोस्कोप, किसका यूज करते हैं स्टेथोस्कोप को, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन आपका है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आपका हाथी है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? उसे हम कहते हैं क्या आवर्त काल कहते हैं, क्या कहते हैं आवर्त काल कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? इसमें आपको बताना है सबसे हल्की धातु कौन है, यह आपका है लिथियम, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है, क्वेश्चन है कि कोशिका के सूची विभाजन के पश्चात जनन कोशिका के तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं,
क्या होगा आपका 70 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, बराबर बचते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से नहीं है, यानी आपका और नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका है गैर परंपरागत मतलब और नवीकरणीय, यह हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा हो जाएंगे। सौर ऊर्जा आपका एक है क्या है तो आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 72 है, क्वेश्चन है कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह से संबंधित है, वह किस समूह से संबंधित होते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा पौधा किसको कहेंगे, वे पौधा जिनके विभिन्न भाग जिनके विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं थाइलोफाइटा। क्वेश्चन 73 है, क्वेश्चन का है कि बल के समीकरण में F किसके बराबर होते हैं, आपको पता होगा F बराबर m इंटू ए होते हैं, यानी F बराबर m a होते हैं, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होते हैं, इसे याद रखिएगा बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 74 है, क्वेश्चन का है कि पानी के भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर इसे वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, यह है प्रकाश का अपवर्तन। किसके कारण से बड़ा दिखाई देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बड़ा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 75 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में फूले लोहे के जंगले धातु से बनी सभी वस्तुएं को नुकसान पहुंचाते हैं, ये पूछा था जंग आपका सभी को नुकसान पहुंचाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन है, तो ये आपका 0.9% ऑर्गन है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्वेश्चन का है कि जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है, यानी राजस्व आय से अधिक राजस्व व्यय करती है, तो इस अधिकाय को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं राजस्व घाटा कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 78 है, क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था, ये दिया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है, क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और नवाब बनाया गया, किसको नवाब बनाया, तो मीर जाफर को नवाब बनाया, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये होता आपका 1757 को, कब हुआ था 1757 को हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 80 है, क्वेश्चन है 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, यानी किसके खिलाफ 1919 में, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है, क्वेश्चन आपका 81 है, क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है, किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, ये मिलता है आपका अंगुत्तर निकाय से, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अंगुत्तर निकाय से इसके जानकारी मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 82 है, क्वेश्चन आपका 82 है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ये होता आपका चीन में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कागज का सर्वप्रथम आविष्कार आपका चीन में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है, क्वेश्चन है कि श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी, श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी, तो श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली थी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 84 है, क्वेश्चन आपका 84 है कि तुर्की की राजधानी का नाम क्या है, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है, तो ये आपका अंकारा, तुर्की की राजधानी कहाँ है, तो अंकारा है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 85 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में एक रुपया का सिक्का यानी टकसालित किया गया था, टकसालित किया गया था, तो एक रुपया का सिक्का किसने जारी किया था, ये किया था आपका शेर शाह सूरी ने, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है, इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है, इसमें आपको मिलान करना है। अब देखिए ऑप्शन ए है कि फासिस्टवाद, तो ये आपका ए का हो जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा मोसिलिनो, यानी एक का हो जाएगा आपका 3, ठीक, फिर आपका प्रजातंत्र, तो ये जगह वुड्रो विल्सन,
प्रजातंत्र वुड्रो विल्सन यानी फोर हो जाएंगे। फिर आपका है नाथसीवाद यानी आपका सी का हो जाएंगे एडोल्फ हिटलर, सी का आपका वन हो जाएंगे। फिर आपका बच जाएगा कौन डी समाजवाद तो लेलिन हो जाएंगे यानी आपका डी का टू हो जाएंगे। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 है, क्वेश्चन आपका है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम दो वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम छः माह का दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम दो वर्ष तक और कार्यकाल के अंतिम छः माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है। ये आपका मुखिया और उप मुखिया पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 88 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेक्ट एक्ट एक निवारक हत्या है, किसने कहा था रॉलेक्ट एक्ट एक निवारक हत्या है। यह कहा था याद रखिएगा, यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एडविन सैमुअल मॉन्टैग्यू। क्वेश्चन नंबर 89 है, क्वेश्चन का है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडिकनाइल कहाँ स्थित है, कोडिकनाइल कहाँ स्थित है, तो आपका 89 का बी हो जाएंगे पालनी हिल्स में, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90 है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है, पंचमहल कहाँ स्थित है, तो ये आपका है फतेहपुर सिकरी में, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91 है, क्वेश्चन आपका 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान देश का संस्थापक सदस्य है, आसियान देश का संस्थापक सदस्य है, तो ये है आपका मलेशिया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आसियान का स्थापना आपका 8 अगस्त याद रखिएगा 8 अगस्त 1967 में किया गया था, 8 अगस्त 1967 में किया गया था, आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 में किया गया था। आसियान का आपका सदस्य देश है यानी संस्थापक सदस्य देश है थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर, ये मिलकर आपको आसियान का स्थापना किया था, ठीक इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है अभी देखिए अभी आपका वर्तमान में आसियान में 10 देश शामिल है यानी आसियान का भी सदस्य कितना है तो 10 है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 92 है, क्वेश्चन आपका 92 है, क्वेश्चन है कि तात्या टापू उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो ये लिया था आपका 1857 के क्रांति में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है 93 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा, किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा, तो ये कहा था आपका लॉर्ड विस्कॉउंट ने, क्या होगा लॉर्ड विस्कॉउंट ने, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है, क्वेश्चन आपका 94 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है, तो ये खासी जंतिया और गारो ये आपका तीनों कहाँ है तो मेघालय में है, खासी जंतिया गारो ये आपका तीनों में कहाँ है मेघालय में, जबकि जाबरी ये पहाड़ी आपका मेघालय में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 95 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है, कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है, तो अंतिम वस्तुएं सेवा शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा सकल यानी जीडीपी में आपका अंतिम एक वर्ष के यानी एक वित्तीय वर्ष के अंतराल में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु या सेवा को मूल्य को हम क्या कहते हैं तो जीडीपी कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएंगे अंतिम वस्तु की बिक्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है, क्वेश्चन 96 है कि भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये क्या था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, किसने किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, कब किया था तो 1793 में लागू किया था आपका यानी अस्थायी बंदोबस्त, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 97 है, क्वेश्चन आपका है कि ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा किया गया था, ये क्या था आपका कुतुबिन ऐबक ने,
आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी ढाई दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 है, क्वेश्चन है कि दिल्ली संतलत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी, किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी, तो यह होता आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी आपका चौगान खेलते समय आपका घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99 है, क्वेश्चन है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिए। यह क्या था आपका 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा किया था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन आपका है कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो आपका 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे 1949 में, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 101 है, क्वेश्चन है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी किंग्स राजवंश था और 1911 में स्थापना हुई थी चीन में गणराज्य की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 है, अबू धाबी किस देश की राजधानी है, अबू धाबी किस देश की राजधानी है, तो ये आपका यूएई का है, यानी संयुक्त अरब अमीरात की है। अबू धाबी किसकी राजधानी है, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 है, क्वेश्चन नंबर आपका 103 है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन वन है कि इसमें पंचायतों की स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि इनमें शहरी स्थानीय सरकार की स्वशासन की संस्था स्वीकार किया, यह आपका गलत है। शहरी किसमें किया था, यह क्या था आपका 74वां संविधान संशोधन में, तो आपका वन सही है, सेकेंड आपका गलत है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे केवल वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 104 है, क्वेश्चन आपका 104 है, क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, यह था आपका हेरोड डोमर मॉडल, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है, क्वेश्चन है कि किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ, ये हुआ आपका बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। यह कब लागू किया, याद देखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे लागू किया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है 106 है कि ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है, तो ये आपका है बिंदुओं पर, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है, यह आपका वंदे भारत एक्सप्रेस, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है, क्वेश्चन है कि कानून और स्वतंत्रता में संबंध है क्योंकि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, तो ये किया था, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने, किसने समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका है कि बंगाल में द्वैध शासन लागू कौन किया था, ये क्या था लॉर्ड क्लाइव ने, कौन लागू किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था जबकि वारेन हेस्टिंग्स ने इसे हटाया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है, ध्यान दीजिए दादा भाई नौरोजी नहीं है, तो देखिए आपका ऑप्शन ए है कि इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, बिल्कुल सही है, बी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सही है, द वेंट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी सही है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका लेखक यह नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 110 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
तो इसका लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है रमेश चंद्र दत्त। कौन है? रमेश चंद्र दत्त है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 है, क्वेश्चन है कि नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है आपका यानी कंठो उपनिषद में, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112 है, क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? ये आपका है ब्लॉक पर्वत का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है, क्वेश्चन है कि वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जनवरी 2023 में कौन बन गए हैं? जनवरी 2023 में कौन बन गए हैं? ये बने आपका शुभम गिल, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है, क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने साल पूरे हुए हैं? कितने साल पूरे हुए हैं? तो ये हुआ आपका 4 साल पूरे हुए हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये स्टार यानी ये योजना लॉन्च कब किया था? या देखिएगा, यह किया था आपका लॉन्च 24 फरवरी 2019 को। कब लॉन्च किया था? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है कि किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया है? ये किया आपका यानी हरि बाल कृष्णन को। किसको किया है? हरि बाल कृष्णन को, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है, क्वेश्चन है कि नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी आपका यानी हिकानु जाखलू, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 है, क्वेश्चन आपका 117 है कि यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को किस देश की लड़कियां और महिलाओं को समर्पित किया गया है? किस देश की लड़कियां और महिलाओं को समर्पित किया है? ये क्या अफगानिस्तान के महिला और लड़कियों को, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या था कि यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को किस देश की लड़कियां और महिलाओं को समर्पित किया है? तो ये क्या आपका अफगानिस्तान के महिलाओं और लड़कियों को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 है कि किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? ये जीता आपका जर्मनी हॉकी टीम ने, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है, 119 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है, क्वेश्चन है कि 15 मई 2023 में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को किस देश द्वारा द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? ये क्या आपका जापान के द्वारा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। चलिए अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि किसी कार्यालय में, चलिए मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि किसी कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या का 3/8 के बराबर है। अब देखिए हम इसे रेशियो बनाते हैं, ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है, ठीक। यह कह रहा है इसका 3/8 गुना के बराबर है, यानी इसका मान लीजिए 3x है, ये महिला आपका हो जाएंगे 8x। देखिए ना, इसका रेशियो निकालिए आपका यही आएंगे, ठीक। अब कह रहा है पुरुषों में से 1/3 पुरुष गैर स्नातक है, ये आपका पुरुष है 3x, इसमें कह रहा है इसका 1/3 क्या आपका तो गैर स्नातक है, ठीक। प्लस और कह रहा है आपका जबकि महिलाओं में का 4/9 गैर स्नातक है, तो महिला कितना है आपका 8x है, इसका कह रहा है 4/9, इतना जो है आपका क्या है गैर स्नातक है। और कह रहा है यदि कार्यालय में गैर स्नातक कर्मचारी की संख्या 164 है, यानी इसी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना के बराबर आएगा, 164 के बराबर आ जाएंगे, ठीक। अब सिंपल है, अब इस 3 को 3 से कर देंगे, आप इसको क्या कीजिए, एलसीएम कीजिए, आपको आ जाएगा एक्स प्लस
यानी आपका आ जाएगा 32/9 बराबर आ जाएगा आपका 164 आ जाएंगे। ठीक, इसको आप एलसीएम कीजिए तो आएगा 9x+32 यानी 9 2 11 41। ठीक, सीधे हम कर देते हैं 41x/9 बराबर आपका आ जाएगा कितना 164 आ जाएंगे। अब क्या कीजिए, इसे 4 से काटिए, 4 से आपको कट जाएगा यानी आपका यहाँ से x वैल्यू आएगा 9 4 36 आ जाएंगे। क्या आया, x वैल्यू हमें पता चल गया कितना 36 आएगा, सॉरी x वैल्यू 36 आ गया। तो कह रहा है कि कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो x मान 36 आया ना, तो हम मेरा आपका फीमेल कितना था 3x था, और आपका सॉरी मेल कितना था, मेल था आपका 3x, और आपका फीमेल कितने थे, ये था आपका 8x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 3 11x आ जाएंगे। यानी आपका 11x का वैल्यू निकालना है, तो 11 × x के मान कितना आया 36 आया, तो 36 को 11 से गुना कीजिए आपको आ जाएगा आंसर यानी कितना आएगा, तो 396 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है। चलिए क्वेश्चन सेकेंड बनाते हैं। सेकेंड देखिए आपका, इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, कर इसका हॉल स्क्वायर का विस्तार रूप क्या होंगे। देखिए अब इसको अलग से मत रटना है, ये मत रटना a-b-c का होल स्क्वायर, ऐसे कभी मत रटना। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, ऐसे आपको नहीं रटना। ठीक है, कैसे करेंगे, तो हमेशा आप एक ही फॉर्मूला का याद रखिए, कौन a+b+c का होल स्क्वायर, इसी पर आप सभी को यूज कर सकते हैं। a+b+c का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका a²+b²+c²+2ab+2bc+2c है, ये होता है। इसी पर हम सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसको भी हम इसी पर सोल्व करेंगे। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 3a+ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे -4b। ठीक है, देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, यहाँ भी प्लस लिखेंगे लेकिन कोष्ठ लिखेंगे -2c। ठीक, अब देखिए इस पूरा का क्या आपका होल स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए आपका किस पर आ गया, a+b+c का होल स्क्वायर आ गया। तो ऐसे ही बनाएंगे हम, माइनस वाले को अलग फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है आपका a², तो एक जगह कितना है आपका 3x है, ध्यान दीजिए एक जगह क्या है, तो 3x है, सॉरी 3a है, 3a का स्क्वायर जगह b की जगह आपका क्या है, b की जगह -4b है, ध्यान दीजिए -4b का स्क्वायर करेंगे, a²+b²+c², c की जगह क्या होगा -2c होंगे, इसका होल स्क्वायर होंगे, तो a²+b²+c² हो गया, प्लस क्या होता है 2ab, एक जगह क्या है तो आपका 3a है। ठीक, b की जगह क्या है तो -4b है, प्लस 2b हो गया, प्लस 2 क्या होता है 2ab+2bc, तो bc, तो b की जगह क्या आपका -4b है, ध्यान दीजिए -4b है, c की जगह क्या है तो -2c है, प्लस 2ca, सी की जगह क्या है -2c है, एक जगह आपका 3a है। अब क्या कीजिए, सभी को आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको क्या आ जाएगा 3a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 9a² आ जाएंगे, प्लस आपका यानी यहाँ आएगा 4 × 16 b², प्लस आ जाएगा नहीं 2 × 4 c² क्या था +2ab, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 × 12 × 24 ab हो जाएंगे। ठीक, आपका फिर था +2bc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 × 4 × 8 × 16 bc, प्लस यानी 2ca माइनस हो जाएगा 2ca यानी 3 × 6 6 × 12 ac बोलो। अब देख लो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। यह भी क्वेश्चन आपका क्या है, आसानी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है तो क्वेश्चन आसान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 देखिए क्या करा है, करा 3 पेंसिल और 5 पेंसिल का कुल मूल्य कितना है, 81 रुपया है। सिंपल है, क्या करेंगे, एक पेंसिल का हम दाम एक्स मानेंगे और एक पेन का दाम आपको वाई मानेंगे। ठीक, तो 3 का क्या होगा 3x हो जाएगा, यहाँ 5 का 5y हो जाएंगे, बराबर 81 हो गया, एक इक्वेशन आपका यहाँ आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा, जबकि 5 पेंसिल क्या होगा 5x
प्लस तीन हुआ है, तीन पेन है, इसका मूल्य कितना है 71 है। अब क्या कीजिए, दोनों का सोल्व कीजिए, दो इक्वेशन है, दोनों क्या करना है आपको सोल्व करना है। तो ये आप तो क्लास टेंथ में पढ़े होंगे, नाइन्थ में पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं तो आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ क्या आपका थ्री है, यहाँ फाइव है, तो क्या कीजिए इसमें फाइव से गुना कीजिए और इसमें थ्री से गुना कीजिए, ठीक है। यहाँ जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ से आपका वाई के वैल्यू आ जाएंगे, माइनस करेंगे, गुना कर दिया, इसको माइनस कीजिए, आप यहाँ से आपको वाई के वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। तो हम वाई के वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, वाई के वैल्यू आपको आ जाएंगे, आ जाएगा आपका 12, ठीक, 12 आपको y का वैल्यू आ जाएंगे। अब जब y का वैल्यू एक इक्वेशन में रखिएगा तो यहाँ से x के मान भी आ जाएगा, आपका x का मान आ जाएगा कितना, तो 7 आ जाएंगे, ठीक। यहाँ सोल्व करना संभव नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी आपका ये इक्वेशन आएगा, अब यहाँ डालेंगे फिर आपको x का मान निकालेंगे तो समय बर्बाद होगा। इतना समझिए कि दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, ठीक, दो इक्वेशन सोल्व कर ही सकते हैं, दोनों को सोल्व कीजिएगा तो आपका वाई के मान आएंगे फिर एक्स के मान आएंगे, ठीक। तो वाई का मान आ जाएगा आपका 12 और एक्स का मान आ जाता है आपका 7, ठीक, ये आ जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक पेंसिल और दो पेन, एक पेंसिल मतलब एक एक्स, दो पेंसिल में 2y, ठीक, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपका क्या जाएगा, एक्स मान कितना आया था तो 7 आया था, वाई का मान 12, तो 2 × 12, 12 × 24, 24 × 7 कितना था आपका 24, 7 होते हैं 31। अब देख लीजिए आपका कौन सा आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक दो अंकीय संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है, 9 है, कर रहा है यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 × 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपका ये अंक वाले क्वेश्चन होगा, यानी दो अंक की संख्या, तीन अंक की संख्या, ऐसे क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन को ऑप्शंस बनाइए, ऑप्शंस बनाना आसान होता है। हम इसको सोल्व करेंगे, हमको दो इक्वेशन आएगा फिर दोनों को सोल्व करेंगे, समय लगेगा, इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन से चेक कीजिए, तुरंत बन जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए, क्या हुआ, चार ऑप्शन चेक करेंगे, इससे हम जल्दी चेक कर लेंगे। देखिए कह रहा है दो अंकों का योग कितना है, 9 है, देखिए 8 × 1 = 9, 5 × 4 = 9, 7 × 2 = 9, 6 × 3 = 9, ये तो आपको सभी में मिल रहा है आपका चारों, तो इससे तो आपको बनेगा नहीं। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है इस संख्या का मान उसके इकाई अंक के 5 गुने, चलिए इकाई अंक 5 गुना किए तो यहाँ पर इकाई क्या है 8 है, तो 8 को 5 गुना किए, ठीक, आप प्लस 6 कीजिए तो 8 × 5 = 40 है, 6 = 46, क्या 46 है, नहीं है, कह इस संख्या के इकाई अंक को 5 गुने कर से 6 ऐड करते हैं तो आपका संख्या आ जाती है, ठीक, आपका फर्स्ट नहीं आया, इसको चेक कीजिए, क्या करेंगे 5 को 5 से गुना कीजिए, आप प्लस क्या कि 6 कीजिए, 5 × 6 = 25, 25 × 6 कितना होता है 31, क्या 31 है, नहीं है, ये भी आपका गलत है, नहीं ए हुआ नहीं बी हुआ। सी की चेक कीजिए, सी में क्या इसका इकाई 7 है, 7 × 5 से 7 × 5 = 35 + 6, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ। डी को चेक कीजिए, क्या आपका 36 लाख इकाई कितना 6 है, तो 6 को 5 से गुना कीजिए, इसमें 6 जोड़िए, 6 × 5 = 30, 6 × 36, क्या आ गया ना, वही संख्या आया 36 आया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाइए, क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये भी आपका कैलकुलेटिव है, सारा क्वेश्चन हमको लग रहा है इसमें कैलकुलेटिव दिया है, क्वेश्चन तो है आसान, क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन है आसान आपका, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपका गुना भाग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करना, देखिए आपको तरीका हम बता देते हैं क्या करेंगे। देखिए यहाँ क्या आपका 3 × x−2 है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × x·3 अरे बट्टा में 2 था वही तो ना, माइनस ऊपर गया तो माइनस हुआ होगा क्योंकि भाग में पावर आपका घटता है, तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो हम लिखेंगे 3 × x·3² + 3 × x = 7290 हो जाएगा 7290, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ दीजिए, अब क्या कीजिए 3 × x·9 हो गया प्लस आपका सॉरी एक्स के 3 × x·9 हो गया प्लस 3 × x·7290 हो गया कितना 7290। अब क्या कीजिए 3 × x को कॉमन कीजिए, 3 × x को कॉमन कीजिएगा 1/9 आ जाएंगे प्लस आपका 1 आ जाएंगे बराबर आएगा 7290, ठीक। अब एलसीएम कीजिए, तो एलसीएम कीजिएगा आप क्या आएगा 3 × 10/9 = 7290 आ जाएंगे, 0 0 आपका कट जाएगा, यहाँ कोना कोनी गुना कीजिए तो आपका 3 × x आ जाएगा 729
गुने 9, ठीक। 729 आपका 9 का क्यूब होता है, ये पावर 9 के पावर 1 है यहाँ, तो आपका आ जाएगा 3 के पावर x बराबर, पावर गुना में जुट जाता है तो 9 के पावर 4 आ जाएंगे, ठीक। अब देखिए 3 के पावर x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, इसमें पावर 4 है, 4 कर दीजिए तो आपका जगह 4 × 2 = 8, तो ये आ गया इधर 3 की पावर 8, यहाँ 3 की पावर क्या x है, जब आपका बेस सेम हो तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, यहाँ से आपका x वैल्यू क्या आएगा तो 4 × 8 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाएंगे, ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन आपका क्या है 6 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा लेंदी ही है, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्या एक दूसरे से इस प्रकार यानी को प्राइम है यानी सअभाज है कि उनमें से पहले दो का गुणनखंड इतना है और अंतिम दो का गुणनखंड इतना है, तो तीनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि सअभाज संख्या क्या होते हैं, सअभाज संख्या होते हैं कि ऐसे दो संख्या जिसका आपका एचएफ क्या हो 1 हो, दो ऐसी दो संख्या जिसका क्या हो एचएफ 1 हो, ये उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर, जैसे 3, 5 है, इसका एचएफ क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या है, इसे हम कहेंगे को प्राइम नंबर कहेंगे। तो ऐसे ही आपका क्या है, तो तीन संख्या ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है, तो जैसे कि ए और बी को हम देखते हैं तो क्या है, ये आपका सअभाज संख्या है, यानी आपका इसका एचएफ 1 होना चाहिए और इसका भी आपका एचएफ 1 होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये जो गुणनफल दिया है आपका, तो ये हो ए गुने बी, पहली गुने दूसरी संख्या का होगा कितना है 357 है, दूसरा क्या है लास्ट में दो संख्या है ना, तो बी गुने सी कितना दिया है 609 दिया। अब देखिए ए गुने बी इतना दिया, बी गुने सी इतना दिया, अब क्या कीजिए आप इसको भी फैक्टर तोड़िए और इसको भी फैक्टर तोड़िए तभी आपको बनेंगे, तो ए गुने बी और इसको जब फैक्टर तोड़िएगा 357 को, 357 का फैक्टर तोड़िएगा तो आपको आ जाएगा क्या, आपको आएंगे 17 × 21 आएंगे, ठीक। इसी तरह से आप क्या कीजिए, इसको भी फैक्टर तोड़िए 609 को, तो 609 को आप फैक्टर तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना 21 × 29 आ जाएंगे। अब देखिए एक जगह आपका कितना है, सुनिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 21 यहाँ भी है, कॉमन क्या आपका बी यहाँ भी है, यानी बी के वैल्यू आपका कितना आ गया 21 आ गया, ठीक, बी के वैल्यू 21 आ गया, ए के वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया, सी के वैल्यू कितना आ गया 29 आ गया, यानी हम तीनों वैल्यू हमें पता चल गया, तो ए का मान आपका कितना आया था 17, बी के मान कितना आया था आपका 21, सी के मान कितना आया था तो 29। अब ए बी सी यानी तीनों का योग पूछ रहे थे, तीनों को जोड़ दीजिए आपको आंसर आ जाएगा, यानी हम क्या करेंगे 17 + 21 + 29 को क्या करेंगे एड कर देंगे, सभी को जोड़िएगा तो आपको 67 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका 7 है, क्वेश्चन 7 देखिए क्या कह रहा है, इसका कह रहा है लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी आपका एलसीएम निकालना है। देखिए अभी तक आप भिन्न का एलसीएम निकाले होंगे लेकिन अब पॉइंट वाला एलसीएम नहीं निकाले होंगे। देखिए पॉइंट का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको भी आप क्या करेंगे, हम ना भिन्न में सबको बदलेंगे, ठीक है, अब भिन्न में बदल करके अब भिन्न का उसका क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे, तो आपको पता ही होगा कि भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, उसका जो अंश होते हैं ना, अंश का आप एलसीएम लीजिए और उसका हर का एचएफ निकाल दीजिए, बस अंश का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे और यानी आपका हर का क्या करेंगे एचएफ निकालेंगे। अब याद कैसे रखेंगे, यदि एलसीएम रहेगा तो आपका ऊपर वाला यानी अंश का क्या करेंगे एलसीएम ही निकालेंगे, एचएफ रहेगा तो आपका अंश का एचएफ ही निकालेंगे, यानी इसी देखिए कि ऊपर वाला सेम है, इससे आपको याद रखना आसान है, ठीक, इसी तरह सब याद रखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, सभी को बदलिए किस में, भिन्न में, क्या 0.036 है, क्या कीजिएगा पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या आएगा 30 आएगा, ठीक 30 आएगा, देखिए कटने वाला तो काट दीजिए, कटने वाला है 9 कट जाएगा 4 से, 9 × 36 25 × 100 आपका आ जाएगा 250, ठीक है, यहाँ आ गया आपका इसका क्या, इसको हम बदले हैं तो आ गया 9/250, ठीक। अब इसको बदलिए क्या आएगा आपका आ जाएगा 0.0072 है, यानी पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 + 4 = 0 आएगा, कितना 40 आएगा। अब देख लीजिए काटिए, इसको कटने वाला है तो उसको काटिए, ठीक, उसको शॉर्ट कीजिए। अब देखिए 72 है तो एक सेकेंड 18 × 72 और 4 से काटिए 18 × 72 4 से काटिएगा तो 25 × 100 ये आ जाएगा आपका, इतना आ जाएंगे, ठीक। फिर क्या कीजिए आप
एक सेकेंड, 1800 काटिए तो ये आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा आपका कितना 1250। यानी हम इसको जब बदले, इसको हम जब बदले तो क्या आया आपका, ये आ गया आपका, ये आया था कितना 9/250 आया था, और ये आया था आपका कितना 9/1250 आया। ठीक, और इसी तरह इसको भी बदलेंगे, ये तो आसान है आपका, क्या आएगा 9/100 आ जाएंगे। ठीक, ये आप सभी क्या गया, सभी को हम बदल लिए किसमें, भिन्न में। अब देखिए इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना आसान है, अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर के एचसीएफ निकालेंगे। तो 9 9 9, तीनों नैने है, इसका एलसीएम क्या होगा 9 ही होगा। ठीक, इसका एलसीएम क्या होगा 9 होगा, बटे क्या था आपका नीचे में क्या था 250 था, एक सेकेंड 250 था, 1250 था, और आपका 100 था। ठीक, इसका एचसीएफ निकालना है, आप देख सकते हैं आराम से, इसका एचसीएफ क्या आएगा 50 आएगा, क्योंकि आपका 50 से सभी क्या है विभाज्य है, तो आपका 50 हो जाएगा इसका क्या है, तो उसका हो जाएगा आपका 9/50 हो जाएगा इसका एचसीएफ, यानी 9/50, ये आपका गया इसका एलसीएम। अब देख लीजिए इसको भाग दीजिए, अब भाग दीजिए यानी 9/50, देखिए भाग क्या दीजिए 200 गुना कीजिए ऊपर नीचा, हो गया 9 × 2 = 18, नीचे आ गया 50 × 2 = 100, यानी 18/100 आ गया, यानी आपका आ जाएगा कितना जगह 0.18 आ गया, 0.18 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन आपका 8 है, देखिए कह रहा है ये किसके बराबर है। अब देखिए इसको कैसे लिखा हुआ है, आपका ऐसे लिखा है कि 2 है, 2 के पावर में कैसे है, तो 2 के पावर -2 है, 2 के पावर -2 है, इसका मतलब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कैसे है? कि 2 के पावर, 2 के पावर आपका आ जाएगा क्या 1/2 क्यों, क्योंकि माइनस में था उससे नीचे बटे में लाते हैं, तो आपका आ जाएगा 1/2 के पावर 2। ठीक, आपका ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2 के पावर वो 2 × 4 1/4, इसको हम कैसे लिखते हैं, उसे हम ऐसे लिखते हैं 2, ये आपका आ जाएंगे इन आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन है कि किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात यह है, यानी देखिए पहले क्या है तो दूध यानी मिल्क और आपका वाटर का रेशियो क्या है, तो 7:5 है। ठीक, अब कह रहा है मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला दें, क्या मिला रहे पानी मिला रहे, ध्यान दीजिए 15 लीटर क्या मिला रहे पानी मिला रहे, तो कह रहा है अब दूध और पानी से अनुपात क्या है 7:8 है। अब देखिए जब 15 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात क्या होता है 7:8 हो जाते हैं, तो क्या कह रहा है नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितने होंगे, यानी ये नया मिश्रण जो है इसमें पानी कितने होंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब देखिए एक चीज़ बताइए हम क्या मिला है पानी मिला है, तो पानी ही चेंज होना चाहिए, आपका दूध की मात्रा चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज भी नहीं है, देखिए यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, तो दूध आपका चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ है तो पानी चेंज हुआ, देखिए 5 था यहाँ 8 हो गया, यानी 3 पार्ट क्या हुआ बड़ा है, ये किसके बराबर है 15 के बराबर है, यानी यहाँ से आपका क्या 1 पार्ट आ जाएंगे 5 × 15 यानी 5 के बराबर। अब कह रहा है कि नए मिश्र में पानी कितना है, तो यहाँ पानी कितना 8 है, तो आपका 1 पार्ट 5 है, तो 8 पार्ट कितना होगा, तो 8×5 = 40 होगा। ठीक, 8×5 = 40 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएंगे, 40 लीटर हो जाएंगे। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, कोई ठेकेदार है वो 40 दिन में काम को पूरा करने के लिए ठेका लिया, वो कह रहा है उसने आरंभ में 100 व्यक्ति को कार्य पर लगाते हैं तथा 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण किया कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई ठेकेदार किसी काम को करने के लिए 40 दिन का समय लेता है, कर 40 दिन में पूरा कर देंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि पहले 35 दिन तक 100 व्यक्ति को कार्य पर लगाता है, अब जब देखता है कि कार्य समाप्त नहीं हुआ है तो क्या करते हैं 100 व्यक्ति को और लगा देते काम पर, तो वो समय पर काम पूरा हो जाते हैं, यानी 40 दिन में समय पर पूरा काम खत्म हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है, अगर यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। अब कह रहा है कि यदि वो जो 100 व्यक्ति बाद में लाया है वो 100 व्यक्ति हम नहीं लाते तो यही कार्य कितने दिन और चलता, यानी कितने दिन और में समाप्त होता, यानी कितने दिन बाद समाप्त होता, ये तो पक्का है कि 40 दिन के बाद ही समाप्त होता है, तो यही कह रहा है कितने दिन बाद समाप्त होता है, तो क्या करेंगे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पहले 100 व्यक्ति था, कितना दिन काम किया 35 दिन काम किया। ठीक, बाद में क्या किया 100 व्यक्ति और बढ़ा दिया, यानी 100 तो पहले था 100 और बढ़ा दिया, कितना हो गया 200 हो गया। ठीक, 200 व्यक्ति हो गया, ये कितना दिन काम किया
तो 5 दिन काम किया, ठीक, ये आपका टोटल कार्य है। यही क्या करेगा तो 100 व्यक्ति करेंगे कितने दिन अधिक लगेगा, यानी 40 प्लस हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर टी मान लेते, और यानी देख लेते कितना और मान लेते हम कि टी समय और लगता है, ठीक। अब देख लीजिए उसको क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, या आएगा 3500, या आपका पैंतीस सौ आएगा, या आपका 5 दुनी 10 यानी 4500, क्या आएगा आपका 4500 बराबर 100 × 40 + t, ठीक, 100 ये कर दिया गया आपका आएगा 45 बराबर 40 + t, यहाँ से आपका टी की वैल्यू आ गया कितना 5 दिन, यानी 5 दिन और एक्स्ट्रा लगता है उसे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी व्यक्ति को उसकी आयु बताने को कहा, तो उसका उत्तर था कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, ठीक है। मान लेते उसको वर्तमान आयु क्या है एक्स है, तो 3 साल के बाद क्या होगा x + 3 हो जाएंगे, ठीक। अब कहा 3 साल के बाद मेरा आयु लीजिए और उसे 3 से गुना कीजिए, ठीक है, 3 से गुना कर दीजिए, और कह रहा है कि गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु लीजिए, अब लीजिए 3 वर्ष पहले की आयु कह रहा है, यानी एक्स माइनस क्या होगा 3 हो जाएंगे, पहले की आयु लीजिए, आयु के 3 गुने को घटाइए, यानी इसको 3 गुना करना है, और क्या करना है इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक, माइनस करेंगे तो कह रहा आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, यानी इसके आयु निकल जाएंगे, देखिए क्या है, यानी कह रहा है कि x + 3 × 3 − x − 3 × 3 करेंगे ना तो आपका आयु आ जाएंगे, यानी x आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्या कीजिए उसको गुना कर दिए, 3x हो जाएगा, ये होगा 3×9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका −3x −+3×9 3x कर जाएगा आपका आएगा यहाँ से x मान 9 + 9 + 9 18 आ जाएगा, कितना आएगा 18 आ गया, ठीक है, 18 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 18 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या था, व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो x का मान कितना है 18 आया, यानी 18 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, देखिए 12 क्या कर रहा है, कह रहा है ए तथा बी के चालों का अनुपात कितना है 3:4 है, कह रहा है एक निश्चित दूरी को बी ने इतना मिनट में तय की, तो दूरी इसी दूरी को तय करने में एक कितना समय लगेगा, देखिए सिंपल क्वेश्चन है आपका, कह रहा है दूरी क्या है सेम है, दूरी जब सेम है यानी दूरी पर क्या होता है 4 गुने समय होते हैं, जब आपका दूरी सेम हो तो आपका यानी समय का अनुपात क्या होते हैं तो चाल का अनुपात का उल्टा हो जाता है, ध्यान रखिए चाल का अनुपात को व्युत्क्रम हो जाता है आपका समय का अनुपात, ठीक। तो मान लेते हैं T1 यहाँ से क्या आएगा आपका T1 × T2 का अनुपात क्या आएगा आपका, तो यह क्या है 3:4 है, आ जाएगा आपका 4:3 आ जाएगा, सिंपल है 4:3 आ जाएगा। तो कह रहा है कि बी 24 मिनट में तय करते हैं, ये आपका बी का समय है ना 24 मिनट, ठीक है, 3 पार्ट हो गया आपका कितना 24, तो 4 पार्ट कितना होगा, ठीक है, 3 पार्ट हो गया आपका 24, एक पार्ट निकालिए 24/3 कीजिए 8 आ जाएगा, तो कह रहा है 4 पार्ट कितने होंगे तो 8×32 हो जाएंगे, 8×32 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक। यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसका आपको इसका सोल्यूशन का PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन आपका 13 है, 13 क्वेश्चन आपका है, 13 में क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आप देख लीजिएगा इसका सोल्यूशन, आपको इसका सोल्यूशन हम इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन आसान ही है, आपको समझा दे रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन आपको क्वेश्चन तो आसान ही है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का 5 वर्षों में साधारण ब्याज, इतना के 5 वर्षों में साधारण ब्याज से इतना अधिक है, तो कह रहा है ब्याज दर कितना होगा, क्या कीजिए, सिंपल तो है। अब देखिए कह रहा है इसका 5 वर्ष का और इसका 5 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो क्या कीजिए आप पहले इसको ऐसे कीजिए ना, मूलधन का अंतर पहले निकाल लीजिए, यानी आपका आ जाएगा कितना 2764 आपका कितना आएगा, तो 24×3 300 आ गया, ठीक है, 300 आ गया, ठीक। इसका 5 वर्षों में 300 का 5 वर्षों में आपका ब्याज कितना है, एक सेकेंड, ये ब्याज आपका कितना है तो 15 है, ठीक, आपका आ तो गया, ये कट जाएगा आपका आ गया कितना 5×3 = 15, 5×3 = 15, यहाँ से आपका आ गया कितना डी बराबर आ गया 1%, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन आपका 15 है, कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि कह रहा है प्रत्येक में से प्रत्येक संख्या को कह रहा है 2 से गुना कर दिया जाए और 3 जोड़ दिया जाए तो नए आपका औसत क्या हो जाएंगे। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रत्येक संख्या में कोई संख्या से गुना करे
तो जिस संख्या से हम गुना करेंगे ना उतना ही संख्या का इसका औसत भी उतना गुना हो जाएंगे। ध्यान रखिए प्रत्येक संख्या में यदि हम किसी संख्या से गुना करते हैं तो उतना ही गुना आपका और उसका औसत भी हो जाएंगे। आप प्रत्येक संख्या में किसी संख्या जोड़ते हैं तो उसका औसत भी उतना ही आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। यानी आपका इसका औसत क्या है, तो 9 है। तो इसका कह रहा है प्रत्येक संख्या क्या करते हैं, दोगुना करते हैं, इसका मतलब औसत भी इसका दोगुना हो जाएंगे। ठीक, और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ते हैं इसका मतलब औसत भी इसका 3 बढ़ जाएंगे। तो 9 × 2 = 18, 18 × 3 कितना होता है, 18 × 3 आपका हो जाएंगे 18 × 3 = 21। यानी इसका नया औसत क्या हो जाएगा, इसका नया औसत आपका 21 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी 16 है क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए इसमें क्या किया आप, यहाँ क्या है 29 है, 29 है, ऐसे कीजिए 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 3 का स्क्वायर कीजिए 3 × 3 = 9, 4 का कीजिए 4 × 16, 16 × 4 = 20, 9 = 29। यानी क्या किया है, तो सिंपल है, इस तीनों को स्क्वायर करके क्या किया, ऐड कर दिया, ये आपको आ जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ भी कीजिए, क्या है आपका 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक, 10 का स्क्वायर 100 आपका 4 × 5, 8 × 6 = 14, अब प्लस 1 यानी 245 आ जाएंगे। ठीक, कितना आ जाएगा, 245 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन 17 में क्या है, देखिए ये क्या 5 का स्क्वायर है, ठीक, ये क्या आपका 6 का स्क्वायर है, ये क्या आपका 7 का स्क्वायर है, ये क्या आपका 9 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, ये आपका 13 का स्क्वायर है, ये आपका 15 का स्क्वायर है। तो क्या कर रहा है, यानी देखिए इसमें कह रहा है कौन सा गलत है। यहाँ देखिए सभी क्या है आभास संख्या है, 5 × 2 = 7, 7 × 2 = 9, 9 × 2 = 11, 11 × 2 = 13, 2 = 15। यानी इसमें आपका क्या है, तो 6 क्या आपका, ये आपका भाज्य संख्या है, यानी सॉरी 6 क्या आपका सम संख्या, 6 क्या है सम संख्या। तो यानी देखिए यही आपका क्या है डिफरेंट है, तो ये आपका गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो कह रहा है रेलगाड़ी से निकलने वाले धुआं की दिशा क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, ठीक, यह आपका उत्तर, इधर की क्या रेलगाड़ी जा रही है, ठीक, और कह रहा है हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, हवा किधर की ओर बढ़ रही है, तो हवा बढ़ रही है आपका दक्षिण की ओर, यानी इधर की ओर हवा बढ़ रही है। ठीक, अब कह रहा है कि रेलगाड़ी से निकलने वाली धुआं की दिशा क्या होगी, सिंपल तो है, रेलगाड़ी में इधर की ओर जा रहे हैं तो इसका धुआं किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा, सॉरी दक्षिण की ओर होगा, यानी इसका धुआं किधर होंगे, तो दक्षिण की ओर होंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, देखिए 19 में क्या है, ये तो सिंपल आपका है, सबका दिया चिन्ह दिया हुआ है, तो चिन्ह बदल दीजिए जो जैसे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ कह रहा है भाग, तो कह रहा है भाग को माइनस से, तो क्या कीजिए यहाँ, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ क्या है 54 है, 54 − 16 आ जाएंगे। ठीक, फिर करा माइनस को गुना से, उसको गुना कीजिए, ठीक 3, फिर करा गुना को प्लस से, प्लस कीजिए, प्लस को भाग से, उसको भाग कीजिए, देखिए 2 × 3 = 6, 3 आ जाएंगे आपका, क्या आएगा 3 आ जाएंगे, और आपका आएगा 16 × 16 = 48, 54 में सबका 48 माइनस कीजिए, 54 में से 48 माइनस कीजिएगा तो आपको क्या आएगा 6 आएंगे, 6 यहाँ और 3 यहाँ, 6 × 3 = 9 हो जाएंगे आपका, आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा लेंथी है, इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, इसका आंसर ऐसे आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक, इसका आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 है कि 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान क्या होंगे, सिंपल है, देखिए क्या होता है आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल होते हैं। देखिए लेफ्ट प्लस लेफ्ट लगा सकते हैं ऊपर नीचे में भी, यानी ऊपर प्लस नीचे माइनस 1 भी कर सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं ऊपर प्लस नीचे माइनस 1, तो आपका टोटल आ जाएंगे। देखिए अब टोटल कितना है 31 है, तो टोटल आपका 31 है, और आपका ऊपर से क्या है 17वां स्थान है, नीचे से हमको नहीं पता है, तो एक्स मान लीजिए माइनस 1 कर दीजिए। ठीक, आपका क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 16 + x = 31, इसको इधर लीजिए तो आपका जाएगा क्या x = 31 − 16, यानी आपका 15वां स्थान उसको लास्ट से, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन आपका 22 है,
अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल आपका इसको ऐसे कोडिंग किया गया, इसको आपको कोडिंग किया, ठीक, कोडिंग किया गया। अब देखिए यहाँ पी का कोड क्या है, यहाँ से देख सकते हैं पी का कोड क्या आपका एन है, ठीक। इसी तरह आपको देखिए आर है, आर का कोड देखिए आर कहाँ आपका आर यहाँ सेकंड आपका एस हो जाएंगे, आर का कोड आपका एस हो जाएंगे, यानी एन एस, एन एस, ठीक। एन एस तो आप देखिए सिर्फ आपका ऑप्शन बी में है, ऐसे बना सकते हैं, या सभी का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपका शुरू में ही दो देखिए एन एस आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो आप इसे यानी बी इसका आंसर हो जाएंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है, 23 क्या है देखिए आपका 23 है, यहाँ देखिए ए है तो यहाँ ए है, यानी यहाँ बी है तो यहाँ बी, हमको लग रहा है बी होना चाहिए, नहीं कैसे है एक सेकेंड, ऐसा तो नहीं है, यहाँ ए है तो आपका यहाँ ए है, यहाँ ए है तो यहाँ ए है, लेकिन यहाँ बी है तो बी तो कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा, यानी ऐसा नहीं है। देखिए अब सोचना पड़ेगा आपको क्या किया है, देखिए ए का कोड क्या है आपका, ए का कोड कोडिंग से भी नहीं है ना, कोडिंग से भी तो नहीं बनेगा यह, एक सेकेंड, हाँ देखिए ए का विपरीत क्या होता है आपका जेड होते हैं, देखिए ए का विपरीत क्या होते हैं जेड होते हैं, जेड होता है, और जेड में क्या कीजिए एक प्लस कर दीजिए, जेड से एक आगे बढ़िएगा तो आपको क्या आएगा ए आ जाएंगे, ठीक। यहाँ से देखिए आप सी का विपरीत क्या होता है आपका एक्स होते हैं, ठीक है, एक्स से एक आगे बढ़िए आपको तो क्या आएगा वाई आ जाएंगे, यानी अब समझ में आएगा क्या क्या है। तो अपोजिट तो लिखा ही है, देखिए बी का आपका अपोजिट क्या होते हैं, तो बी का हो जाएगा आपका अपोजिट वाई, और वाई में क्या कीजिए एक को ऐड कीजिए तो वाई के आगे बढ़ेगा तो जेड आएंगे, यानी जेड रहेगा आपका शुरू में। अब देखिए आपका एक केवल एक ही ऑप्शन में, यानी शुरू में क्या है जेड है, इससे भी आप बना सकते हैं, इससे भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो आगे भी कर लीजिए, आपका है ओ है तो ओ का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका ओ का विपरीत हो जाएंगे एल एम हो, एल हो जाएंगे, ठीक। एल में क्या कीजिए एक आगे जोड़िए तो आपका क्या आएगा एम आ जाएंगे, तो ऐसे भी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुंजी पटल कारी कुंजी और अक्षर कुंजी का सही समुच्चय कौन सा है। देखिए एक चीज़ बताइए, कुंजी पटल के अंदर ही आपको आएगा क्या कार्य कुंजी और आपका अक्षर कुंजी आएंगे, इन्हें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन आपका 25 है, इसमें आपको क्या काउंट करना है, कितने त्रिभुज है, त्रिभुज को काउंट करना, देखिए एक दो दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ ट्रायंगल तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, ठीक, आठ तो आपको दिख रहा है, ठीक, आठ ट्रायंगल आपको दिख रहा है। अब देखिए आठ तो दिख गया, एक चीज़ और देखिए, ये देखिए एक ये दो ये पूरा तीन, इसी तरह से इधर देखिए एक दो एक तीन 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 छः, छः ट्रायंगल तो आपको यहाँ से आ गया, यानी आठ प्लस छः यानी आठ छः चौदह ट्रायंगल आपको पता हो गया, ठीक, चौदह हो गया। इसको देखिए एक ये पंद्रह एक एक सोलह, यानी आपका टोटल इसमें ट्रायंगल कितना है सोलह है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है, 26 है, अब इसका भी सोल्यूशन आप देख लीजिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है, 27 क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या इतना में ऐसे अंक कितने हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ में उतनी दूर है जितने अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। देखिए आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम, उसको लिखिए बढ़ते हुए क्रम में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो जाएंगे, और पहले से कैसा था, ये आपका है फाइव थ्री टू वन सिक्स सेवन फोर एट। अब देखिए फर्स्ट था मैं वन है, यहाँ फाइव है, यहाँ टू है, थ्री है, थ्री है, टू है, फोर है, वन है, फाइव है, सिक्स है, सिक्स है, सेवन है, सेवन है, फोर है, लेकिन केवल एक ही मिला यानी एट है, यहाँ भी एट है, यानी केवल आपका वन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है, 28 का वो क्या करना है अरेंज करना है, देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, उसको अरेंज कर लीजिए, आसानी है, अल्फ़ाबेट के अनुसार आपको अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन आपका है कि दी गई पैटर्न पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब देखिए इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया, फोर में से थ्री को माइनस किया, ठीक, फोर में से थ्री को माइनस कीजिए वन आएगा, वन का क्यू करके उसमें से माइनस वन कर दिए तो ये आपका जीरो आ गया, ठीक। इसी तरह देखिए यहाँ भी किया, ये देखिए नाइन में से सिक्स को माइनस कीजिए क्या आएगा थ्री आएगा, थ्री का क्यू कीजिए तो आपको क्या आएगा सत्ताईस आएगा, और सत्ताईस में से एक माइनस कीजिए तो आपको छब्बीस आ जाएंगे, ये भी आपको सही है।
अब देखिए यहाँ भी क्या करेंगे हम, 12 है तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका 2 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे उसमें से माइनस 1 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन है कि नेत्र चिकित्सक उसी तरह से संगीत है तो संगीतकार हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन आपका 31 है, 31 में है क्या है देखिए करा है, यहाँ से अगला संख्या क्या होगा, ठीक, अगला संख्या क्या होगा, यहाँ देखिए गौर से देखिए थोड़ा, 1 है यहाँ फिर 3 है, 1 है फिर 3 है, एक सेकेंड, 1 है यहाँ 3 है, 4 है, 8 है, अब यहाँ पर देखिए कैसे किया हुआ है, 1 है 3 है, एक से सोचिए थोड़ा, ये सोचिए आप, देखिए माइनस भी कीजिएगा तो 3 में से 1 गया 2 आ गया यहाँ, लेकिन आपका 1 आ रहा है, फिर आपका 4 आ रहा है, एक कोई तरह से नहीं है तो माइनस करने से आपको बन नहीं रहा, ठीक, माइनस करने से आपका आपसे बन रहा नहीं है। अब देखिए क्या किया इसमें, देखिए इस 3 को देखिए, तीनों संख्या को देखिए, 4 प्लस 3 एक 7, 7 एक 8, यानी ये आपका 8 है, यानी देखिए इस 3 को ऐड करके आपका ये आया, ठीक, फिर यहाँ से देखिए 3 पीछा देखिए, ये देखिए तीनों 8, 6, 12, 12, 3, 15, ये 15 है, यानी 3 पीछा वाला को जोड़कर अगला संख्या, ठीक है, 3 पिछले संख्या को जोड़ते हैं तो अगला वाला संख्या आता है, यानी देखिए इस तीनों को हम जोड़ेंगे तो अगला वाला संख्या आएगा, यानी 27 को जोड़िए प्लस 15 प्लस 8 इस सबको क्या कीजिए जोड़िए, क्या आएगा आपका 8, 7, 15, 8, 2, 10, यानी आपका आ जाएगा 50 आ जाएंगे, क्या आएगा 50 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है, 32 क्या आपका क्वेश्चन का है कि 12:48 पर घड़ी की मिनट दोनों सुई के बीच की कोण कितना होगा, देखिए एक फार्मूला आपको बता देते हैं, ये इसे आप याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन रहे आपका, यानी कितना बज के कितने भी मिनट है, एंगल पूछे आपका मिनट और घंटे के सुई के बीच में, आप आराम से निकाल सकते हैं, कुछ सोचना नहीं है, देखिए तो थीटा बराबर सीधे फार्मूला याद रखिए 30h - 11/2 × मिनट, ये क्या है कैसे यूज करेंगे, देखिए 30h - 11/2 × मिनट, अब देखिए यहाँ क्या आपका तो 30h, h की घंटा की जगह कितना है 12 है, 12 करेंगे माइनस 11/2 × मिनट कितना है 48 है, सिंपल यूज करना, अब इसको कर दिए कितना 24 आएगा, गुना कीजिए यहाँ पर आएगा 12×32 अब 36 360 माइनस, इसको गुना कीजिए, इसको आप गुना कीजिए कितना आएगा, कितना आएगा 264 आएगा, इसको आप माइनस कर दीजिए 264 आएगा, आप माइनस कीजिए तो 96 डिग्री आ जाएंगे, यानी आपको कौन मालूम हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो याद कर लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर 30h - 11/2 मिनट, इसे आप याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है, 33 है करा क्वेश्चन कि निम्न आरेख में त्रिभुज शिक्षकों को, त्रिभुज शिक्षक है, ठीक, शिक्षकों को, वृत्त विद्यार्थी को, वृत्त यानी स्टूडेंट को, और अगर आयत कलाकार को, आयत आपका कलाकार को दर्शाता है, तो अगर कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है कलाकार भी है, यानी तीनों माना चाहिए, तीनों में कौन आपका देखिए 5 है, 5 जो है आपका तीनों मार है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है, 34 देखिए इसको चेक करना पड़ेगा आपको कौन सा सही है, चारों ऑप्शन चेक कीजिए तभी आपको सही क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक, इस ऑप्शन आप बी को चेक कीजिए आपको सही हो जाएंगे, देखिए बी को चेक कीजिए 2×3 है माइनस 2 है प्लस 4 है बराबर कितना 8 दिया, क्या 8 आता है, देखिए तो 3×2 = 6, हाँ बिल्कुल 8 आ रहा है, यानी आपका बिल्कुल सही है, क्या सेकेंड सही है, क्या कीजिए आप चारों ऑप्शन को चेक कीजिए अपने आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है, इसमें कह रहा है किस, यानी किस शब्द को इससे हम नहीं बना सकते हैं, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, देखिए इसमें क्या एच है, इसमें कहीं भी आपका ऑप्शन इसमें एच नहीं है, देखिए इसमें कहीं भी आपका एच नहीं है, जबकि इसमें क्या आपका एच है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, देखिए इसमें कोडिंग किया गया है, इसका कोड यह है और इसका कोड आपका यह है, तो इसका कोड क्या होगा, देख सेम आप देख के लिख लीजिए, क्या सी है यहाँ सेकेंड है, सी यहाँ 9 है, सी का कोड 9 हो गया, ठीक, एच है, एच आपका एच यहाँ लास्ट है, एच आपका 1 है, यानी 9 1, ए है, ए का कोड देखिए, ए का कोड आपका क्या थर्ड में है, यहाँ से थर्ड में क्या 3 है, यानी ये आपका कोड है 9 1 3, 9 1 3, यानी आपका 9 1 3, देखिए आपका ऑप्शन नंबर केवल 1 में है, ठीक, ऑप्शन नंबर केवल ए में है, ए इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक, आप पूरा लिख लीजिएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है, 37 देखिए क्या आपका है, इसमें ऐसा है कि आपका ए बी सी और डी डी ये आपका रिपीट किया हुआ है, ए बी सी डी डी ये आपका रिपीट है, यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा ए बी सी डी डी, फिर यहाँ क्या होगा ए बी सी, यहाँ होगा डी डी, फिर क्या होगा ए बी सी
यहाँ होगा डी डी ए बी सी, आपका आ गया ए, सॉरी आपका क्या आ गया, ए नहीं आया, क्या आया बी आया, बी ए डी डी सी, बी ए डी डी सी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए इस क्वेश्चन में आपका है कह रहा है इसका कोड क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन देखिए हम ऑप्शन से बना सकते हैं आराम से। देखिए इसमें क्या है, पिंक रोज गोल्ड है, देखिए इसमें आपको रोज तो दिखाई दे होंगे, गोल्ड भी दिखाई दे रहा है, यानी दो का कोड तो आपका इसी में से कोई होगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, आपका क्या है एट द रेट यानी इसी में है, ये भी आपका इसमें है, स्टार भी आपका इसमें है, लेकिन जब आपका देखिए पिंक एक नया है, पिंक का इसमें कहीं भी नहीं है, तो पिंक का कोड तो एक नया होगा, यानी इसमें से कोई भी कोड नहीं हुआ, यानी इसमें आपको देख रहे ऑप्शन ए में तीनों आपका क्या इसी का कोड है, तो ये आपका हो ही नहीं सकता, ये तो आपका नहीं हो सकता है। बी चेक कीजिए, देखिए बीच में बी में क्या आपका देखिए एट द रेट है, यानी एट द रेट है, ठीक है, और क्या आपका अल्फ़ा है, एक सेकेंड, अल्फ़ा है इसमें कहीं, अल्फ़ा नहीं है, स्टार है, स्टार है, यानी दो तो इसी में कोड है, एक आपका नया कोड है, ये हो सकता है, बी ऑप्शन आपका हो सकता है, उसको होल्ड रखिए। ठीक, सी में देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, ये तो आपका तीनों नया है, तो ये आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका देखिए इसमें रोज और गोल्ड तो इसमें से मिल रहा है, यानी दो कोड तो आपका इसी में से होना चाहिए, यह आपका होगा नहीं क्योंकि तीनों नया है। डी क्या देखिए, डी में क्या है, डी में आपका एक सेकेंड, ये तो है इसमें आपका, ये तो है लेकिन ये देखिए ये तो कहीं भी नहीं है, ये भी कोड नहीं है, और ये कोड एक सेकेंड, ये भी कोड आपका नहीं है, ये देखिए इसमें दो कोड क्या है, नया है, जबकि आपका दो इसमें इसी में से होना चाहिए कोड, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन 39 क्या है कर देखिए इसका निष्कर्ष निकालना है आपको। अब यहाँ देखिए क्या है कि डी बराबर है आपका क्यू, सॉरी डी यू के बराबर है और लेस देन क्यू है। ठीक, यहाँ से आपका कह रहा है डी जो है वो आपका जे से छोटा है, यहाँ जो कह रहा है डी जो है आपका वो जे से क्या है तो आपका छोटा है, एक सेकेंड, जे से छोटा है, और कह रहा है जे से भी बड़ा कौन है, पी है, यानी इसमें सबसे बड़ा पी है। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है पी बड़ा है यू से, पी बड़ा है आपका यू से, एक सेकेंड, यू से डी के बराबर है, बिल्कुल सही है, पी बड़ा है यू से, वन आपका सही है। सेकेंड है कि जे यानी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है, भाई ग्रेटर देन होगा यानी इक्वल टू नहीं होगा, यानी आपका ये गलत है। ठीक, आपका फोर थ्री में क्या है, क्यू बड़ा है पी से, क्यू बड़ा है पी से, नहीं ये भी आपका गलत है, केवल आपका ऑप्शन वन सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन आपका 40 है, को देख 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पासा के दो चित्र दिए गए हैं और कह रहा है नीचे दो होने पर कौन सा संख्या सबसे ऊपर होंगे, यानी दो का विपरीत आपको बताना है कौन सा होगा। सिंपल देखिए, यहाँ क्या आपका 3 है, यहाँ भी आपका 3 है, क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज चलिए यहाँ से दोनों साइड, यहाँ क्लॉकवाइज यहाँ चले तो यहाँ 5 आया, यहाँ 1 है, यानी 5 का विपरीत आपका 1 हो जाएंगे। ठीक, फिर आगे चलिए, आप यहाँ 2 आया, यहाँ आगे चलेंगे तो 6 आया, यानी 2 का विपरीत आपका क्या आएगा, 6 आ जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएंगे 6। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 24, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।